हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं पुणे के सबसे फेमस और लार्जेस्ट मॉल, जिसका नाम है फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, और ये विमान नगर में लोकेटेड है। तो अब हम इंटर कर गए हैं मॉल के पार्किंग एरिया में। और इस पार्किंग एरिया की ये खासियत है कि यहाँ पे 2500 प्लस पार्किंग स्पेस है। तो अब हम यहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक करवाएंगे और फिर हम अंदर जा रहे हैं। तो अब हम इंटर कर गए हैं मॉल के अंदर, और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर किए, देखिए यहाँ पे ये टॉय का सबसे बड़ा शॉप है हैमलीज, और यहाँ पे हर तरह के डिफरेंट टॉयज अवेलेबल हैं। तो इस शॉप में आपको हर तरह की चीज़ें बच्चों से रिलेटेड मिल जाएंगी, जैसे ड्रेसेस, टॉयज, साइकिल्स, कार्स। ये शॉप काफ़ी बड़ा है। इस मॉल में डिफरेंट तरीके के सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे बच्चों के लिए बेबी सिटिंग रूम्स हैं, यहाँ पे एटीएम मशीन्स था, व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं, स्मोकिंग जोन्स भी हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये मॉल काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है जिसे प्रॉपरली मैप होता है कि आपको किधर जाना है। टॉय स्टोर में आने के बाद हम भी बच्चों के साथ बच्चे बनके यहाँ पे एंजॉय करने लगे गेम को। इस मॉल में आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि फैमिली लेज़र एक्टिविटी, उसके अंदर जो है हैप्पी प्लैनेट, फन सिटी जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर गेम्स के लिए, फिर यहाँ पे आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, फिर मूवीज़ है जो PVR अवेलेबल है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के इवेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो डेकोरेशन होता है ना वो हमेशा चेंज किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंग सीज़न में, ऑटम सीज़न में, और जैसे अगर दिवाली होता है, क्रिसमस आता है, तो यहाँ का थीम हमेशा चेंज होता रहता है। इस मॉल की यही खासियत है। इस मॉल में आपको इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड अवेलेबल हैं, लाइक ज़ारा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, अमेरिकन ईगल, अरमानी एक्सचेंज, सुपर ड्राई, डिफरेंट वैराइटीज़ के आपको ब्रांडेड शॉप मिल जाएंगे। ये मॉल मॉर्निंग में 11 AM ओपन होता है और 10 PM ये क्लोज हो जाता है। इस मॉल में नंबर ऑफ़ फ्लोर्स 5 थे, और पहले हम यहाँ गए तो हमने थोड़ा इन्जॉय किया, बिकॉज़ ये मॉल तो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको फुल डे लग जाएगा यहाँ पर। और फिर हमने राजधानी और रेस्टोरेंट जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है वहाँ पे लंच के लिए प्लान किया था, लेकिन हमने वहाँ पे बुकिंग पहले की नहीं थी। इस मॉल में आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे डिनो वर्ल्ड है, फिर हैप्पी प्लैनेट है, फन सिटी है, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा आपका यहाँ पे हैप्पली वक्त गुजरने वाला है अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो। ये मॉल इतना बड़ा है ना कि आप रियली टायर्ड हो जाओगे इस मॉल में घूमते घूमते, लेकिन यहाँ पर इतनी प्यारी चीज़ें हैं देखने को कि आपका मन नहीं भरेगा और आपको लगेगा कि आप सब कुछ देखकर ही जाओ। तो क्या था कि मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश की कि मैं आपको पूरा मॉल दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉल कितना खूबसूरत है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और क्योंकि हम गए थे यहाँ पर सैटरडे को, तो यहाँ पे काफ़ी रश था, क्योंकि अगर आप वीकेंड्स में जाएंगे ना तो यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, और वीकडेज में रश थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीकेंड्स। आपके
की डेकोरेशन जो देख रहे हैं ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है सीज़न के भी हिसाब से। अगर स्प्रिंग सीज़न है तो यहाँ पे कुछ और डेकोरेशन रहेगा, और अगर फेस्टिव सीज़न है, दिवाली है या क्रिसमस है, तो ये और अलग तरीके से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है इसको। ये मॉल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना कि आपको लगेगा कि आप हर जगह की पिक्चर्स ले लो। और यहाँ का जो डेकोरेशन था वो तो काफ़ी प्यारा सा था, और इवनिंग के टाइम में ये और ज़्यादा प्यारा लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चों के लिए ट्रेन भी अवेलेबल है। और ये है रेन फॉरेस्ट रेस्टोरेंट, और इसका जो थीम था ना वो बिल्कुल फॉरेस्ट की ही तरह दिख रहा था। तो अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट फूड अवेलेबल है। काफ़ी प्यारा था, हर तरफ कुछ ना कुछ आपको देखने की चीज़ मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा रोबोट को डेकोरेट किया है। ये है यहाँ के फिफ्थ फ्लोर से यहाँ का व्यू। फ्लोर पे हमें 3D आर्ट भी देखने को मिला, और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। यहाँ का जो पेंटिंग था ना वो बिल्कुल रियल दिख रहा था। थ्री डी
पार्क इंजॉय करने के बाद हम आ गए थे हैप्पी प्लैनेट, और यहाँ पर आप गेम और एक्टिविटीज़ वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिनो वर्ल्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जुरासिक थीम्स है, और ये कितना रियल लग रहा है। तो ये है डिनो वर्ल्ड का आउटसाइड एरिया, और अब हम इंटर कर रहे हैं डिनो वर्ल्ड के अंदर। और ये जो है ना, बिल्कुल जुरासिक पार्क जैसा लग रहा था, बिल्कुल उसी के जैसा इसका थीम था। और मैं जैसे इंटर की ना, तो मुझे तो अपनी वो जुरासिक पार्क वाली मूवी याद आ गई थी, जो मैंने बचपन में देखा था ना, तो उसी तरीके का अंदर का इनसाइड व्यू मुझे लग रहा था। और यहाँ पे ना सब जो डायनासोर वगैरह के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे काफ़ी आपको रियल फीलिंग आएगा यहाँ अंदर आने के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड इंजॉय करने के बाद हम आ गए थे फूड कोर्ट में, और यहाँ पे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है राजधानी। और राजधानी ट्रेन की ही तरह यहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तभी आपको सीट मिलता है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी लाइन रहता है, क्राउड रहता है। तो हमने पहले अपना रिजर्वेशन किया क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, और आपको पर प्लेट का कॉस्ट लगेगा 600 रुपीज़। और ये यहाँ पे सिर्फ वेज अवेलेबल है, और वेज में आपको अनलिमिटेड मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ है। ये है राजधानी रेस्टोरेंट का आउटसाइड एरिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। तो अब हम इंटर कर गए हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, और आप देख सकते हैं ये मेरी प्लेट्स को सजाया जा रहा है वन बाय वन, और इसमें हर तरह के आइटम्स डाले जा रहे थे, हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट सब्जी इसमें डाली जा रही थी। वैसे तो मैं वेज लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा, और यहाँ का खाना भी मुझे पसंद आया, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सारे आइटम्स अवेलेबल थे, और मुझे यहाँ पे परवल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़्यादा पसंद आई कि ये रोटी जो है ना, वो आपको गरम गरम ला के सर्व कर रहे थे, और उसके ऊपर जो वो घी स्प्रेड कर रहे थे ना, तो वो काफ़ी टेस्टी लग रहा था खाने में। और इस रेस्टोरेंट का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा जो वो मुझे हैंड वॉश करवा रहे थे, तो आप देख सकते कितने शाही अंदाज में ये हमारा हैंड वॉश करवा रहे हैं। और फिर
यहाँ पे था थाली बजाओ, अगर आपको खाना पसंद आया तो आप हैमर से इस प्लेट पे मारो। लंच एंजॉय करने के बाद हम आ गए बाहर और यहाँ पे है ये PVR। पहले हमारा प्लान बना था कि हम मूवी देखेंगे, फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, तो फिर क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और अपनी मूवी का प्लान नेक्स्ट डे कर दिया था। फिफ्थ फ्लोर पे एक प्यारा सा रेस्टोरेंट था और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज इसका जो यूनिक वे में इसको डेकोरेट किया गया था ना एंटिक वे में, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे भी थोड़ा शूट कर लिया। डेकोरेशन कितना प्यारा यहाँ पे लाइटिंग किया गया था और यहाँ पे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं दुबई मॉल आ गई हूँ बिकॉज वैसा ही डेकोरेट किया गया था यहाँ पर। तो अगर आप भी अभी तक फिनिक्स मॉल को आपने विजिट नहीं किया है तो आपको एक बार फिनिक्स मॉल तो ज़रूर विजिट करना चाहिए क्योंकि ये सच में काफ़ी प्यारा है और आप यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करोगे। देख सकते हैं ये है फिनिक्स मॉल का आउटसाइड एरिया। तो अब हम जा रहे हैं मॉल के वॉशरूम एरिया में और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वॉशरूम भी कितना ब्यूटीफुल है और ये काफी क्लीन था तो मुझे काफी पसंद आया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।